वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको आलू को भूनने का बहुत ही अलग तरीका बता रही हूँ। इसमें हम आलू को बॉईल नहीं करेंगे, सिर्फ उसे सेकेंगे ताकि उसके जो भी पोषक तत्व हैं वो बिल्कुल वैसे ही बने रहें। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने खूब अच्छी तरह से पानी से धो लिया। आप देख रहे हैं अभी भी वो थोड़े से गीले से लग रहे हैं, इससे उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, जिसमें मैंने आधी छोटी चम्मच तेल डाला है। और तेल डालने के बाद आप इस बर्तन में तेल को चारों तरफ फैला दें ताकि सभी आलू जो रहें इस तेल में चारों तरफ से चिपक जाएं, या ये बोल सकते हैं आप कि चारों तरफ ये ऑयल आलूओं में लग जाए। तो आप देख सकते हैं उस एक चम्मच तेल को मैंने बर्तन में फैला दिया है, और कम से कम 6 से 7 आलू लिए हैं मैंने, मीडियम साइज़ के आलू हैं। और एक बार बर्तन में चारों तरफ बर्तन को हिला दिया है मैंने ताकि ये जो तेल है चारों तरफ आलू में लग जाए। और बस बिना पानी के ही आज हम आलू को पकाएंगे। आप देखेंगे दोस्तों, इस आलू की इतनी बढ़िया खुशबू आएगी। अब आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है, उसके बाद आप कोई भी ढक्कन लगा दें। परंतु मैं ये ढक्कन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये जो इसकी जो लीड है दोस्तों, उसमें एक बारीक सा होल है। तो मैंने क्या किया है, एक कुकर का मेरे पास स्टील का डब्बा है, आप देख रहे हैं जो बीच में रखा है, ये डब्बा मैंने ढक दिया है ताकि आलूओं की गर्म हवा जो है, भाप है, वो निकलने ना पाए और खूब अच्छी तरह से आलू जो है वो भुन जाए। बीच बीच में आपको एक बार इस बड़े बर्तन को हिलाना है, ये देखें जैसे मैं हिला के दिखा रही हूँ, ताकि जो आलू है वो चारों तरफ से भुने, चारों तरफ से सिक जाए। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, हम यदि इस बर्तन को नहीं हिलाएंगे तो आलू बस एक ही तरफ से सिकेगा, एक ही तरफ से ब्राउन होगा, चारों तरफ से ब्राउन नहीं होगा। तो एक एक बार मैं चिमटे की मदद से इसे पलट रही हूँ। ये 5 से 7 मिनट के बाद की शूटिंग है, आप देख सकते हैं अभी तो खैर आलू कच्चे दिख रहे हैं मुझे। और एक एक बार मैं इसे इस तरह से पलट रही हूँ ताकि चारों तरफ अच्छी तरह से ये सिक जाएं, और वापस इसे हम ढक देंगे। कोई भी ढक्कन ले सकते हैं आप, कोई भी डब्बा ले सकते हैं, मैंने इसलिए ऊंचा डब्बा लिया है दोस्तों ताकि गर्म हवा थोड़ी ज़्यादा जगह पर अंदर रहे आलू के, और आलू जल्दी से रोस्ट हो जाएं। भुने हुए आलू का तो स्वाद ही अलग होता है। आप कभी सब्ज़ी में डालें, आलू का भरता बनाएं, दोस्तों आप यकीन मानिए आलू का भरता इतना स्वादिष्ट लगेगा, आपको खुद को बड़ा मज़ा आएगा। बस एक बात है कि इस तरीके में आप बड़े साइज़ के आलू ना लें, क्योंकि बहुत बड़े आलू लेंगे तो उसे भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस आलू को भुनने में पूरे 15 मिनट का करीब करीब टाइम मुझे लग गया है। अब आप देख सकते हैं आलू कितने सुंदर दिखने रहे हैं, एकदम बढ़िया भुन गए हैं और बढ़िया इनमें ब्राउन सा कलर आ गया है। और जो खुशबू है दोस्तों भुने हुए आलू की, वो तो जब आप सेकेंगे ना तभी आप मुझे बताएंगे कि कैसा लगा। तो जो जो आलू मुझे अच्छे लग रहे हैं, जो भुन चुके हैं, उन्हें मैं एक प्लेट में निकालती जा रही हूँ, ये देखिए। और बाकी आलू जो मुझे अभी थोड़े से भुने कम लग रहे हैं, उन्हें मैं इसी बर्तन में रहने दूंगी और 1-2 मिनट और भूनूंगी। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेरा बर्तन ज़रूर जला लग रहा होगा आपको, क्योंकि 15 मिनट से ये आलू भुन रहे थे। और जो हमने एक चम्मच तेल डाला है दोस्तों, उससे इस आलू में इतनी बढ़िया भुनने की जो खुशबू आ रही है दोस्तों, वो तो आप बनाएं तब आपको इसका एहसास होगा। तो ये हमारे बिना पानी में पके हुए आलू तैयार हैं, जिन्हें हमने सिर्फ भुना है और बहुत ही बढ़िया हमने इसकी भुनाई की है। अभी मैं आपको आलू को छील के दिखाती हूँ। तो आलू तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, 15 मिनट से पक रहा था, तो मैंने एक चाकू की नोक पर इसे फंसा लिया है। और अब आप देख सकते हैं कितने आसानी से छिलका उतर रहा है दोस्तों। और जो ये रोस्ट हुआ है ना आलू, जो मैं छिलका उतार रही हूँ, आप इसकी परत देख के समझ गए होंगे इसकी लेयर से कि सच में कितनी अच्छी खुशबू आ रही होगी। तो ये देखें आलू को, मैंने एक आलू को आपको दबा के दिखाया है, अभी इतना गर्म है कि भाप निकल रही है, फिर भी आपको एक आलू को मैश करके दिखाया है। अब अपने आप पसंद की रेसिपी के अनुसार आलू का भरता बनाना चाहते हैं तो मैश कर लीजिए, किसी रेसिपी में यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस रेसिपी के अनुसार से इसकी कटिंग कर लें। तो दोस्तों, अब आप भी आलू को पानी में ना उबालें, बिल्कुल उन्हें जैसे मैंने अभी रोस्ट किया है बिल्कुल वैसे ही आप इसे रोस्ट करें। तो जितने सुंदर ये दिखने में लग रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए खाने में भी ये उतने ही स्वादिष्ट हैं, और इसकी जो सब्ज़ी बनाएंगे, भरता बनाएंगे, वो तो लाजवाब बनेगा।
तो बस इसी तरह से मैं सभी आलू के छिलके उतार लूँगी। बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, आप साथ साथ घर का दूसरा काम भी करते जाएं और एक तरफ आलू को भूनने रख दें। बच्चों को भी आप टिफ़िन में इस आलू की सब्ज़ी बनाकर देखेंगे ना, तो उसकी खुशबू की बात ही अलग होगी दोस्तों। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, सभी आलू मैंने छील लिए हैं और बस अब अपनी रेसिपी के अनुसार मैं इसकी कटिंग करूँगी। और आप चाहें तो इसका भरता भी बना सकते हैं, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया डालकर। और भुने हुए आलू की हर रेसिपी लाजवाब बनेगी। तो दोस्तों ये तरीका है बिना पानी के आलू को पकाने का, भूनने का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।